पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मैं सिर्फ मोहरे हैं, चलाता वो है, चलते हम हैं। ऐसे में अगर मैं गलत हूं तो गलती किसकी है? कट 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 कट, कैमरा दादा प्लीज, यहां पे ना मेरा जरा एक क्लोज ले लीजिए प्लीज। शराब दिमाग पर इतनी चढ़ चुकी है कि सही गलत का होश ही नहीं रहता, अकेले में बड़बड़ाती रहती है। ये लत अब इस कदर हावी हो चुकी है कि घर का सब कुछ बिक चुका है। मिलोर, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता तो फिर इन दुनियाई चीजों का मैं क्या करूं? मुझे अगर कुछ चाहिए तो बस 2 गज जमीन। अब तो चोरियां भी करने लगी है, और चोरी के लायक अगर कुछ नहीं मिले तो स्टेशन पर भीख मांगने से भी नहीं कतराती। कैरेक्टर को फील करना पड़ता है। क्या है ना सर कि भिखारी के चेहरे पर जब तक रोटी का ख्वाब ख्वाब नजर नहीं आता है ना, कैरेक्टर फेल है। कोई उन्हें रोक नहीं सकता। पाबंदियां लगाओ तो चुपके से पी लेती है, और अगर पकड़ लो तो फिलोसफिकल हो जाती है। हम भी नशे में, आप भी नशे में, झूम रहा है सारा जहां नशे में। कई लोग अपना अतीत भुलाने के लिए पीते हैं, पर ये पीती है कि अपने अतीत में जी सके। बस वही 3-4 साल की ग्लोरी में आज तक जी रही है। कौन कम वक्त नशे के लिए पीता है? हम पीते हैं कि जी सके। जीना हर शख्स का हक है, जीना हमारा हक है। बस सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। चलिए ना, डायरेक्टर साहब नरेशन के लिए इंतजार करते होंगे, चलिए। मैडम, मैं डॉक्टर साहब को आप ही के बारे में बता रहा था। ओह, लेकिन डॉक्टर साहब ने पहचाना कहाँ हमें? जी वो आपने हमारी फिल्में तो देखी होंगी, बादल और बिजली। पहली फिल्म में मुझे डबल रोल मिला था, एक मैं थी और अब जाके दीपिका को मिला है। जोगन मस्तानी, सिल्वर जुबली, बगदाद की शहजादी, जंगल की बेटी। कुछ नहीं देखा आपने? शायद डॉक्टर साहब को फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं है। जी मैडम, आप चलिए ना, मैं बस अभी आता हूँ। हाँ चलिए। अच्छा राजू भाई, डॉक्टर साहब को कभी शूटिंग पे लेके आइएगा, हमें एक्टिंग करते देखेंगे तो शायद फिल्मों में इंटरेस्ट आ जाएगा, थोड़ा चेंज मिलेगा। कब तक ये ऑपरेशंस करते रहेंगे आप? अच्छा डॉक्टर साहब, चलो मैं, याद रखिएगा। चलिए राजू भाई, चलिए ना, जल्दी चलिए। आया मैडम। फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, 10 साल से कोई शूटिंग नहीं हुई है और होगी भी नहीं। बस उनका झूठ जिंदा रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। क्या करूं, मैनेजर हूं ना, देखते हैं कब तक मैनेज हो पाता है। ज्यादा दिन नहीं है राजू, शराब पी पी के ये सॉफ्ट सिरोसिस के आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी हैं। साफ शब्दों में कहूं तो इनका लिवर खराब हो चुका है। एक बूंद शराब भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। फिर तो इनका 24 घंटे ध्यान रखना होगा, है ना? आप इन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्यों नहीं भेज देते? वो भी करके देख चुका हूँ डॉक्टर साहब, 3 बार वहां से भाग के आ चुकी हैं। तो कोई केयर टेकर रख लो। केयर टेकर का क्या सुनेगी? डॉक्टर साहब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फैमिली वाला हूं ना। और इनकी फैमिली कहाँ है? वो नहीं है। कोई तो होगा। देखिए वैसे भी बहुत कम दिन रह गए हैं और कोई दवा भी काम नहीं कर रही है। ऐसे में अगर कोई अपना इनके पास रहेगा तो अच्छा है। हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक 7 साल पहले आज ही के दिन, बिल्कुल 2 घंटे और लगभग 17 मिनट पहले, मुझे मेरे जीने का मकसद मिल गया।
वरना तो मर ही जाते। क्यों? अरे खुशी से मर ही जाऊंगा जिस दिन मैडम शादी के लिए हाँ कह दे। लेकिन दोस्त हमें कोई गम नहीं क्योंकि इस लिव इन रिलेशनशिप का अंदाजे बयां है कुछ और। बहुत फिल्मी हो तुम। तुम्हें पता है ना मुझे फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मेरी सारी उंगलियां तुम्हारी अंगूठियों से भरी हुई। पहना हो जहाँ पहना सकते हो। जितना तुम समझती हो उतना डम नहीं है तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड। ये अंगूठी आपके हाथों की उंगलियों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पैरों के लिए। बताओ ना कब कर रही हो शादी? बहुत फिल्मी हो यार। क्या फिल्मी फिल्मी कहती रहती हो? जरूर तुम्हारा कोई फिल्मी कनेक्शन होगा। देखती हूँ। नमस्कार रेवा बेटी, कैसी हो? रेवा, क्या हो? कौन है आप? भाई, राजू कोहली, फिल्म सेक्रेटरी। तो क्या चाहिए? अरे फेमस एक्ट्रेस माया का नाम तो सुना ही होगा आपने। क्यों नहीं, कौन है वो? मेरी नाजायज माँ। मैं तो समझता था कि तुम अनाथ हो। हर कोई किसी ना किसी से तो पैदा होता ही है ना राजीव। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी माँ का हीरोइन बनने का सपना इतना बड़ा था ना कि रास्ते में उसकी छोटी सी बच्ची कहीं छूट गई और उसे पता भी नहीं चला। नाजायज थी ना, इसलिए अलग होने की ज्यादा तकलीफ भी नहीं हुई होगी। फिर गलती के एहसास में रिश्ता ना निभाने का हर जाना भेज ही देती थी। हर महीने एक चेक घर जरूर आता था। बचा क्या? और अगर कुछ नहीं बचा तो आप क्या लेने आए हैं? हाँ, फिल्म इंडस्ट्री ने लात मारकर बाहर निकाल दिया क्या? रेवा वो बीमार है तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। शराब पी पी कर उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। यहां तक कि डॉक्टर ने कह दिया है कि 24 घंटे अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो वो मर जाएंगे। वैसे भी वो मेरे लिए जिंदा ही कब थी? रेवा। राजीव प्लीज, तुम मुझे बार बार पूछते हो ना मुझे फिल्मी क्यों पसंद नहीं है। इसी वजह से इसी फिल्मी दुनिया में मेरी माँ कहीं खो गई जिसे अब मैं ढूंढना नहीं चाहती। आप प्लीज जा सकते हैं। ठीक। मैं तुम्हें कन्विंस नहीं करना चाहता लेकिन एक बात बोलूं, उसने तुम्हें तब छोड़ा जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और आज उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। कहीं तुम वो तो नहीं कर रही जो तुम्हारी मां ने तुम्हारे साथ किया था? माय गॉड, टेक इट। मतलब है उनको,
आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, जीरो फिगर उठा कर ले आती है। अरे हमारे जैसे एक्टिंग करो तो जाने, मैं ट्रेनिंग दूंगी तुझे, अरे सुपर स्टार बना दूंगी। बोल करेगी एक्टर क्या? क्या नाम क्या है तुम्हारा? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।